हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो आज हम आए हैं उदयपुर अपने बचपन के जिगरी यारों के साथ। अरे रियान भाई हेलो आए कर दो यार, शर्मा क्यों रहे हो। तो हम आए उदयपुर एक्सप्लोर करने, तो हम यहाँ के खाना पीना रहना सब कवर करेंगे भाई इस ब्लॉग में। तो चलो चलते हैं। तो भाई अभी हम जा रहे हैं सिटी पैलेस अपनी। हम आए थे कार से दिल्ली से उदयपुर। अब मार्केट के बाहर इन्होंने कार हमारी खड़ी करवा दी है और वहाँ पार्किंग के लिए 50 पता नहीं 100 रुपए। और वहाँ से 1 किलोमीटर दूर है सिटी पैलेस। पैदल पैदल का रास्ता हम कवर करते हुए जा रहे हैं। अगर ऑटो से आना चाहता है कोई तो ऑटो से भी आ सकता है। 100 रुपए लगते हैं ऑटो के, 180 रुपए मांगते हैं। बाकी अब मार्केट के रास्ते से 1 किलोमीटर से जाते हैं। यार ऐसा मत करो, चलो हंसते रह करो, कोई बात नहीं। तो यश भाई क्या लगता है, पैदल चलने का डिसीजन हमारा ठीक था या नहीं था? क्यों ठीक क्यों नहीं था भाई? उदयपुर के नाम पे मुझे ऐसा लग रहा है भाई मनाली की चढ़ाई कर रहे हैं। तो मनाली नहीं तो मसूरी ही तो कर ही रहे हैं। ऊपर से धूप बिल्कुल मुंह पे पड़ रही है। हाँ तो भाई स्कूटी बेस्ट है आपको अगर भाई एक्सप्लोर करना है। अगर उदयपुर गाड़ियां कहीं कहीं अंदर आती ही नहीं तो बैरिकेड लगे हुए थे वहां रुकवाती 1 से 1.5 किलोमीटर। ऑटो वाले 100-150 रुपए मांग रहे थे। आ भी सकते थे लेकिन आए नहीं। हमने कहा चलो भाई मार्केट एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे। भाई मेरा और यश भाई का तो फिर भी ठीक है, लेकिन रिहान भाई को तो मुझे लग रहा है तोते दिख चुके हैं। भाई को गाड़ी से उतर के पैदल चलने की आदत है नहीं और अब हम इन्होंने पैदल चला रहे हैं तो दुख में लगते हुए। तो भाई हम आ चुके हैं अब सिटी पैलेस में। सिटी पैलेस में जो टिकट है वो 30 रुपए की और अगर हम म्यूजियम के अंदर जाते हैं तो 400 रुपीज़ पर पर्सन की है। तो भाई हम 3 जने थे, हमने तो 30-30 रुपए वाली लिए। तो अब हम बार बार से सिटी पैलेस घूमेंगे और आपको भी दिखाते हैं। बाकी आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो पहले नंबर पे आता है सिटी पैलेस जो कि सेकेंड लार्जेस्ट पैलेस है इंडिया का आफ्टर मैसूर पैलेस। सिटी पैलेस को बनवाया था महाराणा उदय सिंह जी सेकेंड ने और ये सिचुएटेड है ईस्ट बैंक ऑफ लेक पिछोला। सिटी पैलेस के अंदर रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा आपको खाने के लिए। बाकी बात रही एंट्री की तो बस आपको 30 रुपीज़ देने होंगे सिटी पैलेस की एंट्री के लिए, लेकिन आपको 400 रुपीज़ देने पड़ेंगे अगर आपको अंदर से इसे म्यूजियम में और अंदर से घूमना है। सिटी पैलेस से आपको एकदम लेक पिछोला का शानदार व्यू देखने को मिलेगा। तो सेकेंड आता है भाई लेक पिछोला पे बोटिंग एक्सपीरियंस। तो लेक पिछोला पे बोटिंग एक्सपीरियंस है जो मस्ट हैव एक्सपीरियंस है भाई लाइफ का, आपको लाइफ में एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। बोटिंग ओनली 180 और 360 की होती है भाई, तो एकदम बजट फ्रेंडली है। और जो यहाँ का व्यू आता है आप खुद ही देख सकते हो भाई, इतना प्यारा व्यू, यू कांट मिस इट भाई। तीसरे नंबर पे आता है मॉनसून पैलेस और आल्सो नोन एज सज्जनगढ़ फोर्ट। इट वाज नेम्ड आफ्टर महाराणा सज्जन सिंह जी। यहाँ का जो पैरानोमिक व्यू है वो एकदम अमेजिंग है। तो आप उदयपुर आओ तो मॉनसून पैलेस एक मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ की जो टिकट है वो अडल्ट की है भाई 150 रुपीज और अगर आप कार से आते हैं तो उसके 300 रुपीज चार्जेस हैं और अगर आप स्कूटी से आते हैं तो भाई 60 रुपीज चार्जेस हैं। ऊपर आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, एक रेस्टोरेंट या कैफेटेरिया टाइप। वहाँ के जो रेट्स है वो एवरेज है। हमने वहाँ से पिज्जा लिया था अराउंड 350 रुपीज का, शेक्स एंड ऑल अराउंड 150 to 200 रुपीज थे। तो किसी के लिए बजट फ्रेंडली है और किसी के लिए नहीं। ये था उदयपुर ट्रिप का पार्ट वन और अगर आपको पार्ट टू चाहिए तो कमेंट कर देना और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना सिंचित मदान ब्लॉग्स को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।